उत्तराखंड के जंगल जल रहे हैं। 90 से भी ज्यादा दिन बीत चुके हैं, लेकिन आग का कहर जारी है। आग इतनी बेकाबू हो चुकी है कि अब जंगल बचाने के लिए सरकार ने सेना को लगा दिया है। देखिए एक रिपोर्ट। धधक रहे हैं पहाड़ों के जंगल, जल रही है देवभूमि। आग की चपेट में सूबे के 11 जिले, चारों तरफ आग ही आग। ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड के जंगलों में लगी भीषण आग की, जहां 90 से भी ज्यादा दिन बीत जाने के बाद भी आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। उत्तराखंड के जंगलों में एक महीने में आग लगने की 1000 से भी ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। इनमें से अब तक 1900 हेक्टेयर से ज्यादा वन क्षेत्र तबाह हो चुका है। आग इतनी भयानक है कि इसे अब तक की सबसे भीषण आग कहा जा रहा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि वन विभाग और NDRF की टीमों के साथ साथ अब वायुसेना और थल सेना भी आसमान से आग पर काबू पाने में जुटी है, लेकिन सभी कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। आलम यह है कि आग से फैले धुएं से स्थानीय लोगों को सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही है। वैसे तो हिमाचल या उत्तराखंड के जंगलों में आग लगना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार लगी भीषण आग ने कई आशंकाएं भी खड़ी कर दी हैं कि ये आग लगी है या फिर लगाई गई है। उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने का सिलसिला काफी वक्त से चलता आ रहा है, लेकिन इस बार लगी भीषण आग ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। किन घटनाओं के पीछे किसी की साजिश तो नहीं? कई लोगों का आरोप है कि टिम्बर माफियाओं ने जानबूझकर आग लगाई है। इस आग से टिम्बर माफियाओं को काफी फायदा पहुंचता है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसके बाद ये आशंकाएं और भी बढ़ गई हैं। साथ ही साथ आरोप ये भी लग रहा है कि फॉरेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अधिकारियों की मिलीभगत की वजह से ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं सरकार की कार्रवाई भी सवालों के घेरे में आ गई है। जी हाँ, सवाल उठना लाजमी है कि किस तरह से चंद पैसों की खातिर टिम्बर माफिया पर्यावरण और इंसानी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, और सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाती, और आखिर कब ये आग का सिलसिला थमेगा? देखते रहिए टीवी लाइव।